सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको डिस्कस करते हैं। भाई ये 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ की अगर आपको जरूरत है तो आप हमारे पास मैसेज कर दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जाएगी। सिर्फ आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम क्लास के सामने, जैसे कि इस पीडीएफ में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें कुछ पेज उल्टे हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। जब आप पीडीएफ में इसे प्रैक्टिस करेंगे ना, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। तो इसमें हम वो रखते हैं तो आपके सामने उल्टे दिखाई देते हैं, इसलिए उन क्वेश्चनों को हम क्लास में नहीं करेंगे, पीडीएफ में से आपसे हम प्रैक्टिस करें। तो भाई जिस भी साथी को 1000 जो हमारे पीछे के क्वेश्चन थे अभी तक उनकी पीडीएफ नहीं ली है, तो पीडीएफ लीजिए, क्लासों का रिव्यू देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और इनको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। सिर्फ आपका काम है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, जो चीज़ें आप कहेंगे वही आपके सामने पेश होंगी। तो आज का क्वेश्चन है, पुरस्कारों की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया, जहाँ हरियाणा को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया, किस क्षेत्र में भाई स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का मिला है, इस क्षेत्र में भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया भाई, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 में 23 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 2019 को ये जो आयोजित किया गया था, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये बात पूछी है, कुरुक्षेत्र के अंदर भाई ये आयोजित किया गया था 2019 का, लेकिन आपने करंट के याद करने भाई, ठीक है ना। इसमें जो आपका पार्टनर कंट्री रहा था वो कौन सा था भाई, तो इसमें सहभागी देश था जो नेपाल था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा की पैरा एथलेटिक दीपा मलिक ने एशियन गेम्स में 2018 में 2 कांस्य पदक जीते, उन्होंने एक और पदक जीता, कौन सा भाई, कौन सा गेम है इनका, जेवलिन थ्रो और डिस्क थ्रो, कौन सा भाई, जेवलिन थ्रो और डिस्क थ्रो। भाई हमने करंट की लीसो ऐप से जो आपके प्रवीण जी हैं उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपके अपने ग्रुप में डाल दिए, आप करंट अफेयर के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप उन क्वेश्चनों को भी कर लेंगे ना, तो इन पे भाई इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे हरियाणा जीके के, तो आगे करने का मुझे लगता है कि आप जितना उनको रिवाइज करेंगे वही काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन जितना याद करने का प्रयास करें दोस्तों, याद करते रहें, समय बहुत ही कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हरियाणा के बाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, किससे भाई, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित हुए ये बजरंग पुनिया, जिन्होंने हाल ही में भाई क्या, बुल्गारिया में डेन कोलोओव निकोला में पेट्रो कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड पदक जीता है। तो उनका जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ है, कितना घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, झज्जर जिले में, झज्जर जिले का कौन सा गांव है, खंडन गांव यानी खुंडन गांव में इनका जन्म हुआ है। किस राज्य को 31 अक्टूबर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2017 का विश्व राज्य चुना गया, सहभागी देश को कौन सा था इसमें, तो आपको पता होना चाहिए भाई इसमें कौन सा सहयोगी देश और सहयोगी राज्य था 2017 में जो 31वां सूरजकुंड मेला लगाया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, राजस्थान, कौन सा हो जाएगा भाई 2017 में, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों झारखंड, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, झारखंड। और 34वां जो आपका लगा था 2020 में, इसमें कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और जो सहयोगी देश था वो कौन था, उज्बेकिस्तान। हरियाणा में एक लड़की के परिवार के लिए उसे क्या किया जाता है भाई, तो क्या भाई उसे घी लड्डू सूखे फल उपहार देने का रिवाज है, कौन से त्यौहार पे भाई, क्या बनती है, जब वो माँ बनती है तब उसको क्या देते हैं हम भाई, ठीक है ना, पिलिया दे के आते हैं, समझते हो ना, जब लड़का पैदा होता है तो बहन के घर पे जाते हैं तो क्या देते हैं, जब वो माँ बनती है तो उसको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। एक सिद्ध जो आपके लेखक प्रथम है भाई ज्ञात अग्रवाल लेखक है, उनका क्या है, पासना चिरू दिल्ली दिल्ली नाम की उत्पत्ति कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है, कौन सा भाई, कौन सा, ये विबुध श्रीधर, हरियाणा इतिहासकार उपवेशी बुटालियन द्वारा सह स्थापित जो प्रथम विशेष रूप से क्या है, नारावादी पब्लिशिंग हाउस का नाम बताएं, तो इसमें हो जाएगा काली फॉर विमेन। ये भाई करंट के क्वेश्चन है, ठीक है ना, करंट के क्वेश्चन है तो आपको बस वैसे देख लेने, लेकिन जो मैंने करंट ग्रुप में डाली है ना उसको प्रैक्टिस कर लेना। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मई 2017 में डिजिटल इंडिया आंदोलन के तहत ये फलाना दिखड़ा जो भी लिखा हुआ है इसमें क्या किया गया है, 9वीं से 12वीं कक्षा तक ये
जो क्या डाउनलोड करने की ये पुस्तकों को योजना बनाई थी। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र क्या विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? चपटी और सूखी। कौन सी भाई? चपटी और सूखी के लिए। भारत में हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिमी। तो इसमें मैं आपको यही अपडेट दे रहा हूँ। देखो ये पेज आपके सामने ऐसे शो हो रहे हैं लेकिन क्वेश्चन तो क्लियर है ना, बस यही मिस्टेक हुई है दोस्तों पीडीएफ को सेट करते हुए। लेकिन क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं है तो आप पीडीएफ को लीजिए, मैसेज कर दीजिए बिल्कुल फ्री पोस्ट। काफ़ी बच्चों के स्टार्टिंग से ही मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा था थोड़ा वेट कीजिए मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो प्रयास किया था कि दोबारा से आपके सामने सही पीडीएफ लगाई जाए लेकिन समय नहीं मिला दोस्तों, समय बहुत कम है। तो इस समय में आपके तो आपके पास यही चीज़ें हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, हरियाणा सरकार द्वारा क्या है भाई जो क्या है उद्योगपतियों क्या उनको बढ़ावा देने के लिए झज्जर जिले के कौन से गांव में सौंदी गांव में स्थापित क्या उत्कृष्टता केंद्र? तो ये आपका क्या है उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, तो ये कहाँ पे संबंधित हो जाएगा, किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें भाई जो ये पानी दिया गया, ठीक है ना, जब आप पीडीएफ को लोगे ना तो आपको क्लियर दिखाई देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप पीडीएफ को ले लो भाई, ठीक है। तो हरियाणा निर्वाचन क्षेत्र जो नालनो नांगल चौधरी और उतेली के जिले में आता है वो कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। तो पीडीएफ को ले लेना भाई, ठीक है। तो पीडीएफ को लेगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। तो आगे देखो, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों में क्या एक तो रेणुका क्या रेणुका काजी बांध है बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों का राज्य नहीं था? तो मध्य प्रदेश नहीं था भाई। 2019-20 के लिए हरियाणा का अनुमानित बजट कितना हो जाएगा? 1.32 लाख करोड़ रुपए। किस राज्य ने इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता? हरियाणा ही जीतेगा क्योंकि हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में 15 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले तो बल खेल सर्वेष्ठ शूटर का नाम बताएं भाई, अनीस बनवाला। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, कौन सा गेम है, ये चीज़ें देख लेना। फरीदाबाद का कौन सा शहर भाई क्या हड्डी की जो क्या है भाई हड्डी की नकाशी का और आभूषण के लिए लोकप्रिय हो जाएगा फरीदाबाद? तो जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या होगी भाई, क्या होगी आपकी? एक तो घाघरी, एक कमीज, एक प्रिंट ओढ़नी, ठीक है। तो वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत का क्या लिखा भाई, महाकाव्य लिखा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में इसमें लिखा गया है जिसे वेद व्यास ने लिखा। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता और एक और नाम बोलते हैं इसको सतसई संहिता। तो महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला है। ये चीज़ें बहुत बार कर चुके हैं, ये चीज़ें बार बार बताने के लिए पता ही होगा आपको। मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वर्षीय पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी गई। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई थी। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने बेड़ियों के डंकसंत सिपाही संख और सेनाई और देशन में देश हरियाणा की कविताएं लिखी, उदय भानुवंश ने लिखी थी। बहुत बार हम कर चुके हैं इनका जिक्र, जितने कवि दिए गए हैं क्या क्या बात इसमें बताई गई है सारी सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा का क्या भाई मौसमी नदी है, जो हरियाणा की मौसमी नदी गग्गर नदी से होकर राज्य में प्रवेश करती है, कालका में प्रवेश करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। हरियाणा में नौरंगाबाद मिठल जो राखी गड्ढी और कई अन्य स्थानों पर क्या उत्खनन ने क्या दिखाया भाई, जब इनका विकास किया गया तो क्या दिखाया गया? ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सारे प्रमाण दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। महेंद्रगढ़ नारनौल गुड़गांव रेवाड़ी जिले में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो ये आपकी हिरवाली यानी क्या हिरवती जो आपकी बोली बोली जाती है, कहाँ पर? रेवाड़ी कोसली महेंद्रगढ़ नारनौल पटौदी और झज्जर के अंदर ये बोली बोली जाती है। हरियाणा में मानसून का समय क्या होता है भाई, जुलाई से लेकर सितंबर तक? तो हरियाणा का अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र मैंने कई बार जिक्र कर चुके हैं, छछरौली आपका हरियाणा का चेरापूंजी जिसको बोलते हैं। तो अरावली पर्वत सरकला के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम बताएं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? दसी पहाड़ियाँ, ठीक है ना, दसी पहाड़ियाँ, डोसी की पहाड़ी, बात एक ही है। 652 मीटर की इनकी क्या हो जाएगी समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी। कौन से गांव में है? कुलताजपुर गांव के अंदर है, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट जानकारी है। हरियाणा सरकार अति और अधिक
संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों की अनुमति नहीं देती क्योंकि ये औद्योगिक इकाइयां हो जाएंगी। मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी हो जाएगा? तो क्यों उपयोगी होगा भाई सभी, क्या इसमें अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया जाता है, इसलिए इसमें ये अनुपयोगी हो जाएगा। हरियाणा में पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएंगे? सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के बारे में बहुत बार जिक्र किया है। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है भाई? दो हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर एक आपका कौन सा है भाई? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है, एक बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य है। अभयारण्य पूछे, वन्य जीव अभयारण्य पूछे, वो तो आठ है, लेकिन इसमें क्या पूछा? संरक्षण पूछा है, ठीक है ना। दोबारा से क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या चीज़ पूछी है आपसे? संरक्षण पूछा है। तो संरक्षण पूछा है तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है भाई, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे भाई? दो वन्य जीव संरक्षण आपके, एक तो जाएगा कैथल कुरुक्षेत्र, एक बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य आपका जींद के अंदर है। किन शहरों में पानी हवा पर्यावरण संबंधी मामलों की क्या सुनाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हो जाएंगे? फरीदाबाद कुरुक्षेत्र भाई, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है ये न्यायालय। देखो भाई, कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपका जो भी आता है किसी न किसी प्रतियोगी प्रतीक्षा से संबंधित होता है, ठीक है भाई, यानी परीक्षा से। दोस्तों प्रतीक्षा से नहीं, परीक्षा से होगा। तो निम्नलिखित में से अगर आप परीक्षा की प्रतीक्षा के अंदर लगे हुए हैं ना, कि आपने अटल प्रतीक्षा की है कि मुझे ग्रुप डी में लगना है, तो जॉब जरूर लगोगे, बात एक ही बनेगी, ठीक है भाई। परीक्षा प्रतीक्षा करो, एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से बाहर छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? वो थे भाई चौधरी देवीलाल, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी से बाहर छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी आपकी, इनेलो पार्टी, ठीक है ना। ये हरियाणा की राजनीति के द्वितीय केसरी के नाम से जाने गए। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को किस नाम से जाना जाता था? पूर्व पंजाब। क्या बोलते थे? पूर्व पंजाब के नाम से जानते थे। किस शासक ने 1290 में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की? किसने की भाई? अलाउद्दीन ने की। चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2019 के बीच आयोजित किया गया, कहाँ पे? हिसार के अंदर। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताओ? मैच एंड कैच ऐप। और आपको उसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। पिछली परीक्षाओं में सभी क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप हमारे पास मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जाएगी। अगर आपको क्लास में क्वेश्चन समझ में नहीं आते ना, उल्टे दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं, तो इन सब चीज़ों का इलाज है, मैसेज कीजिए, पीडीएफ को लीजिए। तो आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है हमें मैसेज करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में हरियाणा के किस शहर को शहरी स्थानीय निकायों के मंत्रालय से, यानी मंत्रालय से खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा मिला है? करनाल को मिला भाई ये। तो क्या भाई, आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना और राज्य में संबंधित क्या समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने IES जागरूकता क्या भाई वैन की शुरुआत की है? आधार रथ की शुरुआत कर दी है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के ALMCO की छठी सहायक उत्पादन इकाई अत्याधुनिक लिम्प स्पीड हीटिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? बल्लभगढ़ में हुआ भाई, देख लेना, ठीक है। किस शहर को छोटा काशी कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है भाई। तो रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए और प्रश्न और उत्तर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मनाया जाता है? लूर नृत्य। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। साप्ताहिक संदेश के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा एक क्या थे भाई? स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, इनका प्रमुख नारा था। अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूल कॉलेज और सरकारी विभागों की पुस्तकालयों की जो भी लिखित पुस्तकों का क्या भाई 5000 सेट दान दिया है। तो ये कौन से स्कूलों से संबंधित हो जाएगा? सरकारी विभागों से, दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 1363 के बाद आ गया हमारा 1364। किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य मौसम ए में ओ जज यानी इस्लाम पर आधारित एक आपकी क्या भी रचना है, जिसे वो 1870 के दशक के मध्य में से क्या है? चाइनी मेहंदी के निजी नौकर भी थे वो, कौन थे भाई? अल्फाज हुसैन अली। भाई PDF लीजिए, मुझे भी इसमें क्लास में कुछ वर्ड ऐसे दिखाई देते हैं जो मैं आपको बताऊं तो ऐसे हो जाता है कि
मैं अब बच्चों को क्या चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे नलों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करने की योजना बनाई गई। इसमें 7 योजनाएं बनाई गई थी। हरियाणा को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। किस भाग में महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी, मेवात जिला शामिल आता है? तो ये आपका गुड़गांव के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई, हरियाणा की आधिकारिक भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है भाई, क्या हो जाएगा आपका, क्या लगता है आपको? सूखा, रेत प्रवासन, मृदा लवणता या फिर मृदा अपरदन, क्या होगा? तो ये हो जाएगा भाई साहब क्या, रेत प्रवासन, ठीक है भाई, यानी मिट्टी अपरदन। तो मिट्टी अपरदन को मिट्टी की क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। इतना तो याद मत करो, बस इतना ही कर लो। इस प्रभाग में यमुना नगर, पंचकुला, कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में शामिल हो जाते हैं, ये अम्बाला के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखो, अगस्त 2017 में हरियाणा